पासपोर्ट अप्लाई करने का बिल्कुल आसान तरीका आपको मैं दिखाने वाला हूं इस वीडियो में। दोस्तों जनरली क्या होता है कि आपको कहीं पर भी कोई भी फॉर्म अप्लाई करने के लिए पहले आईडी पासवर्ड क्रिएट करना होता है, उसके बाद ही आप उसमें फॉर्म अपना फिलअप कर सकते हैं। लेकिन दोस्तों मैं आज की वीडियो में आपको पासवर्ड अप्लाई करने का ऐसा प्रोसेस बताने वाला हूँ जिसमें दोस्तों आपको सबसे पहले तो अपना फॉर्म फिलअप करना होगा, उसके बाद दोस्तों इसमें आपको आईडी पासवर्ड की जरूरत पड़ेगी। तो किस प्रकार से दोस्तों आपको पासपोर्ट ऑनलाइन अप्लाई करना है कंप्लीट जानकारी आपको इस वीडियो मिलेगी, तो वीडियो को एंड तक जरूर वॉच करना और बिल्कुल भी वीडियो को स्किप मत करना। पासपोर्ट दोस्तों एक ऐसा मान्य दस्तावेज है जिसमें दोस्तों आपको अगर कोई मिस्टेक हो जाती है तो उसे करेक्शन करने के लिए आपको काफ़ी मुसीबतों का सामना करना पड़ सकता है, तो इसलिए दोस्तों वीडियो को कम्प्लीट वॉच करिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो। तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मैंने एक फॉर्म प्रोवाइड किया है, आप उसे डाउनलोड कर लीजिएगा और पीडीएफ में इसी प्रकार से आपको ओपन कर लेना है। ओपन करने के बाद दोस्तों आपके सामने इस प्रकार से फॉर्म आ जाता है। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें आप चूज करना है फ्रेश पासपोर्ट, अगर आप रीइश्यू करना चाहते हैं तो आप रीइश्यू चूज कर सकते हैं। उसके बाद आप नॉर्मल 36 पेज आप अपने अकॉर्डिंग इसमें चूज कर लेंगे। उसके बाद आता है एप्लीकेंट का नेम, इसमें दोस्तों आपको एप्लीकेंट का फुल नेम लिख देना है। जैसे उसका नाम है, जैसे मेरा नाम है विजय कुमार तो मैं यहाँ पर विजय कुमार लिखूंगा, और अगर कोई मेरा सरनेम है तो मैं यहाँ पर सरनेम अलग से लिखूंगा, ठीक है। तो उसके बाद आता है जेंडर, आप इसमें जेंडर चूज करेंगे मेल फीमेल अपने अकॉर्डिंग। और उसके बाद आता है कि आपके अगर दो नेम है आलियाज है, जैसे कोई विजय कुमार और कोई अदर नेम, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और अलग से नाम की जानकारी प्रोवाइड करेंगे। तो हमारा हमने चेंज नेम नहीं किया तो हम यहाँ पर सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद दोस्तों आपको अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेनी है, ठीक है। आप कैलेंडर के माध्यम से भी चूज कर सकते हैं, आप इसमें फिलअप भी कर सकते हैं। उसके बताया प्लेस ऑफ बर्थ, आपका जो बर्थ है वो कहाँ पर, इंडिया में ही हुआ था या फिर इंडिया से बाहर हुआ, तो आप अपने कोडिंग्स में जानकारी प्रोवाइड करेंगे, तो हम इसमें नो कर देंगे, हमारा इंडिया में ही हुआ है। उसके बाद आप अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देंगे, ठीक है। विलेज का नाम, अगर आपको सिटी है तो सिटी का नेम, ठीक है। ये कंप्लीट एड्रेस अपने अकॉर्डिंग फिलअप कर देंगे। और उसके बाद है आपके यहाँ पर स्टेट, आप अपने अकॉर्डिंग्स में स्टेट सेट कर लेंगे, सभी स्टेट्स में अवेलेबल है। इसमें दोस्तों आपको एक बात का ध्यान देना है कि जो आप इसमें अभी एड्रेस फिलअप कर रहे हैं, ये दोस्तों आपको अपना प्लेस ऑफ बर्थ का एड्रेस फिलअप करना है, जहाँ पर आपका जन्म हुआ है वहीं का आपको एड्रेस यहाँ पर फिलअप करना होगा। उसके बाद आप अपने यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपने मैरिटल स्टेटस चूज करेंगे, सिंगल है मैरिड है, अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे। और उसके बाद है सिटीजन ऑफ इंडिया, तो हम यहाँ पर बर्थ हरियाणा में हुआ, इंडिया में हुआ है, तो हम यहाँ पर रहने देंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ भी फिलअप नहीं करना है, पैन कार्ड वोटर आईडी कार्ड इसमें फिलअप करने की आवश्यकता नहीं है। इसमें दोस्तों आपको एम्प्लॉयमेंट टाइप में चूज करना है कि आप क्या करते हैं, स्टूडेंट हैं, गवर्नमेंट एम्प्लॉई हैं, प्राइवेट सेक्टर में काम कर रहे हैं, आप अपने अकॉर्डिंग से चूज कर लीजिएगा। और उसके बाद दोस्तों अगर आप कोई पेरेंट्स में कोई गवर्नमेंट जॉब में है तो आप इसमें यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप अपनी एजुकेशन की डिटेल बताएंगे, अगर आप 8th में हैं, 7th पास है, ठीक है, या उससे कम है, अपने अकॉर्डिंग्स में चूज कर लीजिएगा। जैसे 10th है 10th से ज़्यादा है, या फिर ग्रेजुएशन है उससे ज़्यादा है, तो हम यहाँ पर ग्रेजुएशन उसके ज़्यादा जो भी है अपने अकॉर्डिंग्स में चूज कर लेंगे। उसके बाद आपको इसमें कुछ नहीं भरना, आपको सिंपली नीचे आ जाना है। इसमें दोस्तों आपको एक कॉलम मिलेगा फैमिली डिटेल का, इसमें दोस्तों आपको अपनी फैमिली की जानकारी देनी होगी। तो सबसे पहले आता है फादर का नेम, ठीक है, आप फादर का फुल नेम लिख देंगे, जो भी आपका फादर का नेम है। जैसे जैसे मेरा नाम है विजय कुमार, तो मैं यहाँ पर कंप्लीट जो नाम लिख दूंगा, और अगर सरनेम है तो आप सरनेम भी लिख सकते हैं। उसके बाद आप इसमें मदर का नेम लिख देंगे उसी प्रकार से फुल नेम, ठीक है। उसके बाद हमारा आ जाता है यहाँ पर प्रेजेंट एड्रेस, आपका जो भी प्रेजेंट एड्रेस है आप यहाँ पर फिलअप करेंगे। तो सबसे पहले तो आता है कि आपका प्रेजेंट एड्रेस आउटसाइड ऑफ इंडिया है या फिर नहीं है, तो आप सिंपली अपन ऊपर क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आप अपना यहाँ पर कंप्लीट एड्रेस फिलअप कर देंगे, हाउस नंबर, विलेज, जो भी आपका है, ठीक है। उसके बाद आता है आपका यहाँ पर विलेज, सिटी का नाम लिख देंगे। उसके बाद अपनी यहाँ पर स्टेट सेट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट है, और जल्दी जल्दी से मैं ये कर लेता हूँ। और उसके बाद आता है हमारे यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट, तो इसमें हम डिस्ट्रिक्ट चूज़ कर लेते हैं, ठीक है। आप वीडियो को लाइक जरूर कर देना। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर पुलिस स्टेशन, तो इसमें दोस्तों आपको अपना पुलिस स्टेशन जरूर बताना है। और उसके बाद आपका पिन कोड, जो भी आपका पिन कोड है, आप अपने कोड इसमें फिलअप कर देंगे। उसके बाद आप अपने यहाँ पर मोबाइल नंबर प्रोवाइड करेंगे, और उसके बाद आप अपने यहाँ पर मेल आईडी प्रोवाइड करेंगे, ठीक है। तो मैं यहाँ पर डेमो के लिए कुछ भी यहाँ पर फिलअप कर देता हूँ। उसके बाद आ जाता है कि आपका परमानेंट एड्रेस यही है जो कि आपने प्रेजेंट एड्रेस है, तो आप यस पे क्लिक कर देंगे, फिर से आप यस पे क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आता है आपका इमरजेंसी कॉन्टैक्ट डिटेल, तो इसमें दोस्तों आप इमरजेंसी में किसी की भी डिटेल दे सकते हैं, आपके फादर की, आपकी खुद की, ठीक है। आप अपना यहाँ पर नेम लिखेंगे, आप अपना यहाँ पर एड्रेस फिलअप करेंगे, आप अपना यहाँ पर मोबाइल नंबर एंटर करेंगे, और मेल आईडी चाहें तो आप मेल आईडी भी प्रोवाइड कर सकते हैं, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों हमारे सामने ऑप्शन आता है कि आपका पासवर्ड पहले से इशू किया हुआ है, होल्ड पर है, तो आप यस पे क्लिक करेंगे और उसकी जानकारी प्रोवाइड कर देंगे। अगर आप पहली बार पासवर्ड अप्लाई कर रहे हैं तो सिंपली आप नो पर क्लिक कर देंगे, ठीक है।
और उसके बाद आर डिटेल नोट अवेलेबल पर भी क्लिक कर देंगे। और उसके बाद आता है आपका यहाँ पर, पहले आपने अप्लाई किया था और किन्हीं कारणवश इशू नहीं हो पाया तो आप यहाँ पर यस करेंगे, नहीं तो आप सिंपली नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आपको जितने भी यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेंगे आप सभी में नो कर देंगे। इसमें दोस्तों टर्म एंड कंडीशन होती है कि आप पर कोई FIR, तो सभी इस प्रकार से हैं, आप सभी में नो कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप नीचे आएंगे, यहाँ पर आप एग्री टिक कर देंगे और उसके बाद आप अपने यहाँ पर प्लेस का नेम लिख देंगे और आपकी डेट यहाँ की रहेगी जब आप अप्लाई करेंगे, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना है। उसके बाद आपको वैलिडेट एंड सेव के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद ओके पे क्लिक करेंगे और उसके बाद आपकी ये जो फाइल है XML में फाइल सेव हो जाती है, ठीक है। आपको XML में ही फाइल को सेव करना होगा। आप इसमें फाइल नेम जो भी अपने कोडिंग्स में दे सकते हैं, ऐसा कोई मैटर नहीं है। और उसके बाद आपका फाइल टाइप में सिर्फ XML फाइल ही रहेगी, ठीक है। उसके बाद आप सेव के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपकी फाइल सेव हो चुकी है। अभी दोस्तों आपको पासवर्ड वाली साइट पर आ जाना है। आपको उसके बाद अपनी आईडी पासवर्ड से लॉगिन करना होगा। आईडी पासवर्ड बनाने के लिए आपको सिंपली न्यू यूजर रजिस्ट्रेशन के ऑप्शन पर क्लिक करना होगा। उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा। सबसे पहले तो आपको दोस्तों सबसे पहले पासवर्ड ऑफिस चूज कर लेना है। अगर आप दिल्ली से हैं तो दिल्ली वाले करेंगे, नहीं तो आप यहाँ पर पासवर्ड ऑफिस अपने अकॉर्डिंग चूज कर लेंगे, ठीक है, जो भी आपको नियर बाई लगता होगा। तो हम यहाँ पर चंडीगढ़ कर लेते हैं। उसके बाद आपको सबसे पहले अपना यहाँ पर नेम लिख देना है, जो भी आपका नेम है, फुल नेम आपको लिखना होगा इसमें, ठीक है। आपको उसके बाद अगर आपका कोई सरनेम है तो आप इसमें सरनेम भी लिख सकते हैं। और उसके बाद है आपके यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ, तो कैलेंडर के माध्यम से आप इसमें डेट ऑफ बर्थ चूज कर लेंगे। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर मेल आईडी एंटर कर देंगे। उसके बाद अगर आप अपनी मेल आईडी को ही लॉगिन आईडी रखना चाहते हैं तो आप यस पे क्लिक करेंगे, आपकी आईडी यहाँ पर आ जाएगी। उसके बाद आप अपने यहाँ पर कोई भी पासवर्ड सेट कर लेंगे। उसके बाद कन्फर्म पासवर्ड में फिर से पासवर्ड को कन्फर्म कर देंगे। और उसके बाद है हिंट क्वेश्चन, ठीक है। इसमें दोस्तों आप अपना क्वेश्चन कोई भी हिंट कर सकते हैं। अगर आप बाई चांस अगर पासवर्ड आप भूल जाते हैं तो आप इसके माध्यम से आप अपना पासवर्ड रिसेट कर सकते हैं। उसके बाद आप यहाँ पर कैप्चर फिलअप करेंगे और सिंपली यहाँ पर रजिस्टर के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे, ठीक है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपकी मेल आईडी पर लिंक सेंड किया गया है। आपको सिंपली अपनी मेल आईडी को खोलकर लिंक पर क्लिक करना है और अपनी आईडी को एक्टिवेट कर लेना है। आईडी को एक्टिवेट करने के बाद आप सिंपली फिर से लॉगिन में आएंगे और अपनी यहाँ पर लॉगिन आईडी डालेंगे, ठीक है। कंटिन्यू पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद अपने यहाँ पर पासवर्ड एंटर कर देंगे, जो भी आपने पासवर्ड क्रिएट किया होगा। कैप्चा फिलअप करेंगे और लॉगिन के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। लॉगिन होने के बाद कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आपके सामने आएगा। इसमें दोस्तों यहाँ पर आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा अपलोड ई फॉर्म का, ठीक है। आपको देख सकते हैं यहाँ पर अपलोड ई फॉर्म का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपके सामने इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें दोस्तों सबसे पहले आपको अपनी यहाँ पर स्टेट सेलेक्ट कर लेनी है, ठीक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अपनी स्टेट सेलेक्ट कर लेंगे, जो भी आपकी स्टेट होगी। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे, ठीक है। उसके बाद आप अपनी यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट चूज कर लेंगे। डिस्ट्रिक्ट चूज करते ही आपके सामने यहाँ पर फॉर्म अपलोड का ऑप्शन आ चुका है। आप यहाँ पर चूज फाइल के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे और जो हमने फॉर्म फिलअप किया था PDF फाइल में, जो कि दोस्तों हमने XML की फाइल बनाई थी, आपको वो फाइल चूज कर लेनी है और इसमें अपलोड कर देनी है, ठीक है। उसके बाद आप अपने यहाँ पर डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ चूज करना होगा, ठीक है। आपके पास क्या है, डेट ऑफ बर्थ का प्रूफ क्या है, वो आप इसमें सिर्फ चूज करना होगा। जैसे आप यहाँ पर मैट्रिक चूज कर सकते हैं या फिर आपके पास बर्थ सर्टिफिकेट है तो बर्थ सर्टिफिकेट चूज कर सकते हैं, ठीक है। आप अपने कोड इसमें चूज करेंगे। उसके बाद एक आपको यहाँ पर एड्रेस प्रूफ चूज करना होगा, ठीक है। उसके बाद आपको सिंपली अपलोड के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। आपको सिर्फ उसमें चूज करना है, उसके बाद आपको जो फॉर्म है सिर्फ उसे अपलोड करना है। उसके बाद आपके सामने एक बार फिर से इस प्रकार से प्रीव्यू आ जाएगा पासपोर्ट का। आपको इसे वेरीफाई करना होगा। इसमें आपको ध्यान देना है कि जो आपके सामने ये प्रीव्यू है, ये फाइनल प्रीव्यू है, वो इसी प्रकार से आपका पासवर्ड बन के आने वाला है। आपको इसे अच्छे से वेरीफाई करना होगा, ठीक है। और अगर आपके द्वारा दी गई जानकारी बिल्कुल सही है तो आपको यहाँ पर ऑप्शन देखने को मिलेगा नीचे कंटिन्यू अपलोड का। आपको सिंपली इस पर क्लिक कर देना है। तो जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो आपका फॉर्म अप्लाई हो चुका है। अब दोस्तों आपको यहाँ पर फीस पे करनी होती है, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आएगा पे फीस एंड शेड्यूल अपॉइंटमेंट, ठीक है। तो इसके बाद आपको यहाँ पर ऑनलाइन पेमेंट मोड चूज करना होगा, स्टेट बैंक का, ठीक है। आपको यहाँ पर टिक कर देना है। उसके बाद आपको सिंपली नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाएगा, आप इसे नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद आप देखेंगे आपके सामने इस प्रकार से अपॉइंटमेंट का शेड्यूल आ चुका है, कौन से ऑफिस में कौन सी डेट मिल रही है आप इसमें चार्ट में देख सकते हैं, ठीक है। सभी यहाँ पर ऑफिस की आपको इस प्रकार से डेट देखने को मिल जाएगी। उसके बाद आपको कौन सा ऑफिस इसमें चूज करना है, आप अपने कोडिंग इसमें अपना नियर बाई या फिर आप अपने डेट के हिसाब से पासपोर्ट ऑफिस चूज कर लेंगे। जो भी आप यहाँ पर चूज करेंगे आपको उसी ऑफिस में विजिट करना होगा, ठीक है। तो उसके बाद आपके सामने इस प्रकार से आ जाता है, आप अपने कोडिंग्स में पासवर्ड ऑफिस चूज कर लेंगे जहाँ पर आपको वेरिफिकेशन करवानी होगी। तो उसके बाद आप यहाँ पर सिंपली कैप्चा फिलअप कर देंगे, जो भी आपको यहाँ पर शो हो रहा है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर नेक्स्ट के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे।
उसके बाद आपके सामने कुछ इस प्रकार से इंटरफेस आएगा। इसमें देख सकते हैं आपकी यहाँ पर 1500 रुपये फीस लगने वाली है, और अगर आप माइनर है तो आपकी यहाँ पर 1000 रुपये फीस लगेगी, ठीक है। तो उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर देखेंगे आपको जो भी अपॉइंटमेंट डेट मिल रही होगी वही आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगी। आप कैलेंडर के माध्यम से सिर्फ देख सकते हैं, इसमें जो भी रेड है ये सारी अपॉइंटमेंट बुक है, ठीक है, आप इसमें चेंज नहीं कर सकते। आपको ध्यान देना है कि अगर आपकी जहाँ तक की डेट बुक है उसके आगे की एक डेट लेनी है तो आप इसमें चूज करने की आवश्यकता नहीं है, और अगर दोस्तों आपको आगे की डेट लेनी है जहाँ की बुक नहीं है तो आप सिंपली कैलेंडर के माध्यम से चूज कर सकते हैं। उसके बाद आपको सिंपली यहाँ पर पे एंड बुक के ऑप्शन पर क्लिक कर देना है। उसके बाद आपके यहाँ पर SBI की पेमेंट गेटवे आ चुका है। आप अपने किसी भी माध्यम से अपनी पेमेंट कर सकते हैं, UPI के माध्यम से, क्रेडिट, डेबिट, जो भी आपको सही लगे आप अपने अकॉर्डिंग इसमें पेमेंट पे कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आप सिंपली यहाँ पर कन्फर्म के ऑप्शन पर क्लिक कर देंगे। तो इस प्रकार दोस्तों आप अपना ऑनलाइन पासवर्ड अप्लाई कर सकते हैं बिल्कुल आसान तरीके से। तो कैसी लगी जानकारी दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। अगर दोस्तों आपको वीडियो हेल्पफुल लगी तो वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं जल्दी किसी नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।